लखनऊ से खबर। योगी सरकार की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां, 3 जून को होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी के आने की भी संभावना है। सीएम योगी ने तैयारियों की खुद समीक्षा भी की है। अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जमीन पर 70,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव उतरेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में प्रस्तावित है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अडानी समूह, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरा नंदानी समूह, बिरला ग्रुप, आईटीसी ग्रुप सहित कई इंटरनेशनल कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ, निदेशक इसमें शामिल होंगे। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 70,000 करोड़ से अधिक की 1500 परियोजनाओं को शुरू करने की योजना तैयार की जाएगी। प्रमुख परियोजनाओं में कई सारी योजनाएं बताई जा रही हैं और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की कल बैठक होनी है। कल सुबह 11:30 बजे लोकभवन में बैठक होगी। बजट सत्र को बुलाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। मई के तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है बजट सत्र। कई और अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल कैबिनेट की बैठक होनी है। कल सुबह 11:30 बजे लोकभवन में बैठक होगी। बजट सत्र के बुलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कई और प्रस्ताव भी हो सकते हैं जिन पर मोहर लग जाए, जिन्हें मंजूरी मिल जाए। मई के तीसरे हफ्ते में बजट सत्र भी शुरू हो सकता है, जिसको लेकर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, कल 11:30 बजे लोकभवन में कैबिनेट की बैठक, इस बार कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, किन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है? कल की बैठक में तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आगामी बजट सत्र जो है विधानसभा का, उसको लेकर मोहर लग सकती है। और आगामी बजट का जो सत्र होगा, विधानसभा का जो सत्र होगा, वो मई के तीसरे हफ्ते में प्रस्तावित है। इसको लेकर अगर बात करें तो इस बार का जो बजट है, सरकार की योजना है कि पिछले 5 साल का जो, यानी जो पहला कार्यकाल था, उसमें जो सबसे ज्यादा बजट है उससे भी बड़ा है। यानी इस बार का जो बजट हो वो सबसे बड़ा अब तक का बजट हो, इसके ऊपर फोकस है। दूसरी चीज, जो बजट होगा उसको इस बार केंद्र में रखा जा रहा है। युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, डेवलपमेंट को, इन चीजों को केंद्र में रखा जा रहा है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर हर पार्टी प्रस्ताव भी किए जा चुके हैं। तो कल की कैबिनेट में देखिए इस बजट सत्र की तारीख को लेकर मोहर लग सकती है। दूसरी चीज बात करें तो परिवहन विभाग, कृषि विभाग, इन विभागों से जुड़े कुछ प्रस्ताव जो है वो इसमें लाए जा सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट की बात है। लोक निर्माण विभाग के इसमें कुछ प्रस्ताव हो सकते हैं। तो बाकी जो चीजें हैं वो अभी कुछ देर में और हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल इन विभागों से जुड़े चुनावों के बाद ये पहला बजट होगा। तो बजट का आकार क्या रहने वाला है? जाहिर सी बात है 2.0 का ये बजट होगा, तो बजट खास भी होगा और हर एक विभाग को इसमें साथ लिया भी जाएगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जैसा हमने पहले भी देखिए कहा कि इस बार का जो बजट है वो पहले के मुकाबले सबसे बड़ा बजट हो, इस बात के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यानी कि मानकर चलिए 5.5 लाख करोड़ से ऊपर का ये बजट भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी चीजें बजट से जुड़े जो प्रस्ताव है वो मिल चुके हैं, उसके आधार पर ये पूरा तैयार किया जाएगा। आय के सोर्सेस क्या होंगे, उसके अलावा अगर बात करें तो किन क्षेत्रों में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाना है। और दूसरी चीज, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र को लेकर जिस तरह से जो वादे किए गए हैं, जिनको लेकर जनता के बीच में गए थे, उनको निभाना सबसे बड़ी बात होगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजों को पूरा किया जा सके। तो उसके लिए देखिए विशेष प्रावधान किया जाना निश्चित रूप से तय मानिए, जिसमें देखिए जो लड़कियों के लिए स्कूटी की बात कही गई, मेधावी छात्राओं के लिए, तो उसको शामिल किया जा सकता है। अभी देखिए वर्तमान में अगर बात करें तो स्मार्टफोन मोबाइल बढ़ रहे हैं। स्मार्टफोन मोबाइल के लिए देखिए पिछले जब कार्यकाल पहला था तो उसमें भी प्रावधान किया गया था, लेकिन इस बार उसके लिए और प्रावधान किया जा सकता है। इसी तरह से कई और डेवलपमेंट के काम होंगे, योजनाएं होंगी, जिसके लिए बजट का इसमें विशेष प्रावधान होगा। ठीक है शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।